हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। आज मैं आपको बताऊंगा आलू चना चाट बनाना। आलू चना चाट बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और कई बार आपने मार्केट में ट्राई भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम घर पे बनाएंगे आलू चना चाट। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आलू चना चाट बनाना। मैंने लिया है यहाँ पर 150 ग्राम छोले, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके रात भर पानी के अंदर भिजो दिया था, और सुबह एक बार वापस अच्छे से वॉश करके अब कुकर के अंदर डाल दिया मैंने। साथ में डाल देता हूँ 1.5 गिलास वाटर, पानी, और जो करीब 150 ml है। चलिए अब कुकर को कवर करके 2 सीटी मारूँगा मैं गैस के ऊपर रख के। 2 सीटी मारने के बाद 10 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही रखूँगा, उसके बाद इसे ओपन करूँगा ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और छोले अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। चलिए 1 सीटी आ चुकी है कुकर की, 2 सीटी आ चुकी है मेरे कुकर की। तो अब मैं इसे गैस ऑफ कर लेता हूँ और 10 मिनट बाद ओपन करता हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, तो कुकर में देखते हैं हम। छोले हमारे बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। मैं आज एक छोला आपको तोड़ के दिखा लेता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से और शानदार से तरीके से मेरे छोले बॉयल हो चुके हैं। तो मैंने स्टैंड कर लेता हूँ, और साथ में लिया है मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू। इन्हें एक तरफ रख लेता हूँ, अच्छे से छील के रख लिया मैंने। 5 टेबल स्पून जितना ऑयल नॉन स्टिक पैन के ऊपर चढ़ाकर गैस ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मेरा तेल गर्म होता है तो 1 टीस्पून जीरा ऐड कर लेता हूँ। तो तेल थोड़ा गर्म है तो इसमें जल्दी से थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर लेते हैं। साथ में डाल देता हूँ थोड़ी सी हींग। हींग बहुत ही अच्छी रहती है फ्लेवर के लिए। और 2 टमाटर मैंने चॉप करके रखा था, तो टमाटर इसमें ऐड कर लेता हूँ और जल्दी से इसे मिक्स कर लेता हूँ। तेल थोड़ा सा गर्म है, जल नहीं जाए। चलिए 1 मिनट तक मैं इसे टमाटर को ऐसे ही पका कर इसमें डाल देता हूँ। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट डाल रहा हूँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब मसाला मेरा बहुत अच्छे से पक चुका है, तो मैं इसमें आलू मैश करके डाल देता हूँ। मैं हाथ से ही मैश कर रहा हूँ, और कोई नहीं अच्छा है वैसे भी, हाथ से आप मैश करके अच्छे से डाल सकते हैं। आलू ऐड करके मैं आलू को अच्छे से एक बार इसके अंदर मिक्स कर लूँगा। 1 से 2 मिनट तक लगेगा, लेकिन आलू अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा मेरे। बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स ये चाट। एक बार आप ये चाट खा के ट्राई करोगे तो मार्केट वाला चाट खाना भूल जाओगे। चलिए आलू अच्छे से मैश हो चुका है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेता हूँ। पानी हमें बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करने का है, क्योंकि ये चाट थोड़ा ड्राई रहेगा। और साथ में डाल देता हूँ मैं काबुली चना। जो छोले हमने बॉईल करके रखे थे ना, वो छोले मैं अभी इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, और इन्हें एक बार अच्छे से हिला के कवर करके रख दूँगा। और 3 से 4 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही कवर कर ऐसे ही पकाऊँगा। चलिए 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं कवर ओपन कर लेता हूँ और इन्हें एक बार अच्छे से हिला लेता हूँ। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भी हमारा थोड़ा थोड़ा है, तो मैं 1-2 मिनट तक और पका लेंगे। साथ तब तक मैं इसमें डाल लेता हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ही अच्छा रहता है, इसका फ्लेवर चाट में बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा तो चीना लगना चाहिए ना मुँह में, इसीलिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है। चलिए मैं इसे एक मिनट तक अच्छे से मिला लेता हूँ, और फिर ऐड कर लेता हूँ लेमन जूस। यहाँ मैंने 1 लेमन का जूस निकाल के रखा है। तो फ्रेंड्स, चाट है थोड़ा सा खट्टा भी होना चाहिए ना, तो 1 लेमन जूस निकाल दिया। चलिए चेक कर लेता हूँ मैं इसे। थोड़ा सा मेरे को चाट मसाला और गरम मसाला कम लगा, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना शानदार और कितना टेस्टी चाट बनाया हमने। बहुत ही कम समय के अंदर हमारा चाट बनके तैयार है। चलिए इसकी गार्निश कर लेते हैं। मैं थोड़े से फाइन चॉप ऑनियन डाल देता हूँ ऊपर, थोड़े से टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, जो चाट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो अनारदाने भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अनारदाने डाले हैं। तो अब हम चाट को सर्व कर लेते हैं, गर्मा गर्म चाट का शानदार लुत्फ़ उठाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक साइड से हमें चाट को लेने का है, इसीलिए मैं एक साइड से चाट को बाउल के अंदर डाल देता हूँ,
तो ये थी हमारी आज की शानदार चाट की रेसिपी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ थोड़े से ऑनियन और चॉप टमाटो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।